ज वेलकम बैक टू माई चैनल इम्पैथेटिक नर्स टूडे टॉपिक ऑफ दिस ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स यूजेज पार्ट सेकेंड सो पार्ट वन में हमने इम्पोर्टेंट सीजर एंडसेप्ट के बारे में पढ़ा उनके बीच में डिफरेंस समझते हुए राइट सो so, इफ अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आई एम श्योर आपको एक बार में ही सारे इंस्ट्रूमेंट याद हो जाएंगे जो आपको आज तक कंफ्यूजिंग लगते थे सो मस्ट सी दिस वीडियो सो पार्ट टू में हम इम्पोर्टेंट रिट्रेक्टर एंड इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे मेनली ऑब्स एंड गायनाकोलॉजी के बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाता है सो so, हम बिल्कुल सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो होल्ड योर पेन एंड पेपर लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर और इसमें आप देखोगे एक तरफ चार प्रॉन्जेस होते हैं एंड एक तरफ तीन होते हैं एंड इसके पास लॉकिंग मकानिजम होता है जिससे हम रिट्रैक्टर को एक सर्टेन एंगल और विड्थ पर क्लाम कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग इट सो इसका मेन यूज यही है दैट इट अलाउस हैंड्स फ्री ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्जरी सेकेंड डोइंग्स रिट्रैक्टर इसमें ऊपर ब्लेड होता है एंड देन ये हैंडल ये यूज़ करते हैं फॉर रिट्रैक्टिंग ब्लैडर डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग एब्डोमिनल ऑपरेशंस लाइक एल एस सी एस एंड लेप्रोटोमी। थर्ड कैट्सपो और वॉल्क्समैन रिट्रैक्टर सो इसमें आप इमेज में देखो कि कैट्स के पंजे जैसे या फिर कह लो फोक लाइक हैं फॉर ईजी रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड इसके टर्मिनल बैंड्स होते हैं टूवर्ड्स इनवर्ड देन फोर्थ लेंगे बैक रिट्रैक्टर इसके फ्लैट ब्लेड होते हैं विच इज़ देंट डाउन एट राइट एंगल्स टू हैंडल सो आपको डोइंस एंड लेंग इन बैक रिट्रैक्टर में कन्फ्यूज नहीं होना है बिकॉज डोइंस में ब्लेड वाइड होते हैं एंड कर्व्ड भी यूज ऑफ दिस रिट्रैक्टर इज इन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डायसेक्शन इन सुपरफिशियल मसल पेन विच रिक्वायर्स रिट्रैक्शन लाइक इन हर्नियोप्लास्टी एंड थैरेडेक्टोमी फिफ्थ मॉरिज डबल एंडेड रिट्रैक्टर सो so, ये इजी है आइडेंटिफाई करना बिकॉज इसके दोनों एंड्स पर ब्लेड होते हैं ये यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स लाइक एब्डोमिनल वॉल मसल्स को रिट्रैक्ट करने में एंड ऑल्सो इट गिव्स वाइडर स्पेस टू वर्क सिक्स दीवर रिट्रैक्टर ये रिट्रैक्टर क्वेश्चन मार्क की शेप में होता है विद अ थिन एंड फ्लैट ब्लेड कॉमनली इट इज़ यूज टू होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल और थोड़ेसिक प्रोसीजर्स सेवेंथ गाउटलेट रिट्रैक्टर it has two plates hinged in the middle which separate as the handles are closed and are held by a ratchet making them self-retaining so it is basically used for holding back tissue from smaller and superficial incisions eighth sims anterior vaginal vault retractor this instrument usually used with sims speculum इट इज़ अ लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट विद ब्लंट लूब एट बोथ दी एंड्स मेकिंग एन एंगल फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना स्पेशली यूजफुल इन केस ऑफ सिस्टोसील और ब्लैडर हर्निया देन लास्ट रिचर्डसन रिट्रैक्टर इसको आप कैसे पहचानोगे सो अगर किसी रिट्रैक्टर में आपको होलो लूप विद ग्रिप हैंडल दिखे तो समझ लेना कि ये रिचर्डसन रिट्रैक्टर है इट इज यूज ड्यूरिंग अपी सर्जरी टू होल्ड एंड मसल्स। सो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं अपार्ट फ्रॉम बी पी हैंडल ट्रोकार, इलेक्ट्रोकॉट्री बिकॉज ये हमें चार साल की ट्रेनिंग में मोस्टली याद हो ही जाते हैं सो इन केस अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैंने इसको इमेज बेस क्वेश्चन वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो नाउ लेट सी दी इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट सेलम इसमें ईच ब्लेड के टिप पर हुक्स प्रेजेंट होते हैं एंड आपको सेलम फॉरसेप एंड एलिस फॉरसेप में कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज सेलम फॉरसेप में ब्लेड ज्यादा लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू द एलिस फॉरसेप मेनली इट इज़ यूज टू ग्रैस दर्विकल लिप्स टू विजुलाइज द सर्विक्स और ड्यूरिंग वेजाइनल हिस्टेरेक्टॉमी सेकेंड ईयर सिरिंज ये आपको ई एन टी वार्ड एंड ओ पी डी में दिखेगा जब आपके वहाँ पोस्टिंग होएगी सो इट इज़ बेसिकली यूज टू इंस्टिल इरीगेटिंग सोल्यूशन इन टू द ईयर थर्ड एनोरिज्म ये निडल ब्लंट पॉइंटेड कर्व निडल होती है विद एन आई एट इट्स पॉइंट मेनली यूज फॉर पासिंग लिगेचर्स अराउंड ब्लड वेसल्स फोर्थ हैगर डायलेटर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गायनेकोलॉजी में टू ओपन अप सर्विक्स। ये अलग अलग साइज में होते हैं जो साइज़ को इंक्रीज करने के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं मेनली दीज डायलेटर्स आर यूज टू इंक्रीज सर्विकल डायलेशन एंड टू इंक्रीज द साइज़ ऑफ स्टोमा फॉलोइंग कोलस्टोमी देन फिफ्थ लेरेंगोस्कोप सो लेरिंगस को बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा तो जाता ही है बट आपसे आपकी नर्सिंग ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है मोस्टली टीचर्स इसके पार्ट्स एंड ये कैसे वर्क करता है लाइक like ब्लेड को आप कैसे हैंडल में फिक्स करोगे ऐसे पूछते हैं मेनली इट हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स एंड हेल्प्स इन ईटी इंट्यूबेशन एंड इसके ब्लेड्स दो टाइप्स के होते हैं कर्व्ड ब्लेड्स आर कार्ड मैकिनटॉश एंड स्ट्रेट ब्लेड्स आर कार्ल्ड माइलर सिक्स एमनोइटिक परफोरेटर ये सी स्टिक टाइप होती है इट इज यूज टू रपचर एमटिक मेम्ब्रेन विद मिनिमल रिस्क टू मदर एंड फीटस ये आपको लेबर रूम में देखने को मिलेगी मोस्टली सेवेंथ ब्रीच हुक सो इसका हैंडल फ्लैट रिप्ड होता है विच इज करविंग अप टू अ ब्लंट हुक इट इज यूज इन डिफिकल्ट ब्रीच डिलीवरी हेड और ट्रंक ऑफ द अनबॉर्न फीटस इज एक्सट्रैक्टेड बाई इंसर्टिंग ब्लंट हुक अराउंड द नेक और शोल्डर सो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूँ ये डिलीवरी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है दिखने में एर्थ यूट्राइन साउंड इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द यूट्राइन कैविटी नाइन्थ ट्रैकियल डायलेटर सो इसमें कोई रैचिड एंड सिरेशन नहीं होते हैं इट इज़ यूज टू वाइड इन दी ओपनिंग मेड इन द ट्रैकिया ड्यूरिंग प्रोसीजर्स लाइक ट्रैक्योस्टमी एंड टू कीव द ट्रैक्यल ओपनिंग पेटेंट टेंथ बोन चीजल इसमें एक एच बेबल होता है एंड यूज टू चिप द बोन और फॉर कटिंग एंड शेपिंग द बोन ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आपको चीज़ल एंड ऑस्टियोटोम में कन्फ्यूज नहीं होना है बिकॉज ऑस्टियोटोम में दोनों एजेस बेबल होते हैं एलेवेंथ डॉइंस मायोमासक्रू इट इज़ यूज टू रिमूव फिब्रॉय फ्राम एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मायोमैक्टोमी ट्वेल्थ फॉर ग्यूसिंग ट्यूबुलर विजाइनल स्पेक्यूलम इट इज़ यूज टू डायग्नोस वेजाइनल एंड सर्विकल कंडीशन थर्टीन यूट्राइन क्यूरेट इसके अपर का हुक शार्प होता है एंड नीचे का ब्लड यूज टू स्क्रैप एंडोमेट्रियल कैविटी और यूट्राइन कैविटी टू ऑप्टेन सैम्पल्स लास्ट सिम्स वेजाइनल स्पेक्यूलम ये डबल ब्लेडेड स्पेक्युलम होता है यूज ड्यूरिंग गाइनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू एग्जामिन वेजाइना एंड सर्विक्स सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल होगा सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल यू गैस ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई पोस्टेड देयर माई सेल्फ नोट्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग